Avenue and my name is Priji Tiwari. So in this video we are going to discuss type 2 circular seating arrangement, and this is our part 3 of circular seating arrangement, and part 1 and 2 is already uploaded in our channel. So theek hai, start karte hain video ko. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहां से रीड कर लीजिए. ठीक है, चलिए. देयर आर एट फ्रेंड्स टी ई एफ जी एच आई जे एंड के आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग द सेंटर. फेसिंग द सेंटर मैंने बता रखा है क्या होता है, फेसिंग इनसाइड. ठीक है, आज की बहुत इंपॉर्टेंट पजल है, तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे ही अच्छे लेवल के पजल्स हैं, थ्री लेवल के. ठीक है, दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, रशिया, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस एंड इटली, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर. जे हु इज फ्रॉम जर्मनी सिट्स जस्ट अपोजिट द पर्सन फ्रॉम रशिया. एफ इज नीदर फ्रॉम डेनमार्क नॉर फ्रॉम आयरलैंड. आई सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ ई हु इज फ्रॉम इटली. जे इज सिटिंग टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम आयरलैंड. E is sitting to the immediate left of H, who is from Russia. The person from France and K are sitting opposite to each other. I is neither from France nor from Denmark, and D is from Poland. D and I are the immediate neighbors. Okay, चल बना लेते. देखो इसमें पर्संस के साथ ना वेरिएबल भी है अटैच. ठीक है, 8 पर्सन है हमें, और सबका फेस कैसा है, इनसाइड फेस है, दिख रहा है ना. ठीक है, सबका इनसाइड है फेस, कर लेते हैं. अब स्टार्ट करते हैं. जे कहाँ है, जर्मनी से है, और अपोजिट बैठा है किसके, रशिया के, जो भी रशिया से है. तो ठीक है, जे आप कहीं भी रख सकते हो, जर्मनी, और किसके अपोजिट है, रशिया के. तो यहाँ कौन आएगा, रशिया, यहाँ पे भी जे, जर्मनी, आप कहीं पर भी इसे रख सकते हैं. ठीक है, और ये हो गया हमारा रशिया, समझ गए. चलो अब जे और रशिया से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं. ई सिटिंग, हाँ देखो यहाँ लिखा है एक जगह, ई सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच हु इज फ्रॉम रशिया, मतलब एच है रशिया के, रशिया से, और ई जो है इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है. तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये इसका लेफ्ट और ये राइट है. नॉर्थ का राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, और ये साउथ फेसिंग है ना, ये देखो ऐसा साउथ होता है ना, डायरेक्शन में आपने पढ़ा होगा. तो ये लेफ्ट है और ये राइट है. ठीक है, तो ई इसके लेफ्ट में है, तो ई यहाँ हो गया हमारा. अभी ई से कनेक्ट करते हैं कुछ है, हाँ है, देखो आई सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ ई हु इज फ्रॉम इटली, मतलब ई इटली से है, तो ठीक है ई इटली रख देते हैं. और आई के इससे थर्ड राइट में है, तो 1 2 3 आई यहाँ हो गया, 1 2 3 आई कहाँ हो गया, यहाँ हो गया. ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं. देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, डी इज फ्रॉम पोलैंड एंड डी एंड आई आर इमीडिएट नेबर्स. देखो अभी तो सेम पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी, तो हम डी को यहाँ रख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं. एक कंडीशन में डी को यहाँ रख देते हैं, एक को यहाँ पे. ठीक है, एक जगह, तो डी को एक जगह यहाँ पे रख दे, एक जगह यहाँ पे, और डी है कहाँ से, पोलैंड से है, तो ठीक है कोई बात नहीं, पोलैंड को कर देते हैं डी यहाँ पे. अब देखते हैं, एफ इज नीदर फ्रॉम डेनमार्क नॉर आयरलैंड. ठीक है, एफ जो है डेनमार्क और आयरलैंड से नहीं है, और जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम आयरलैंड. ई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच. ठीक है, ये तो हो गया हमारा. द पर्सन फ्रॉम फ्रांस एंड के सिट्स अपोजिट टू ईच अदर. अच्छा, फ्रांस और के वाला जो है ना, वो जो है एक दूसरे के अपोजिट है. देखो आई में क्या बोल दिया इन्होंने, आई जो है फ्रांस और आयरलैंड से तो नहीं है, तो फ्रांस और के लिए देखो, के यहाँ
यहाँ या तो फिर यहाँ। देखो के फ्रांस यहाँ नहीं आ सकता है ना। अब देखो ये जगह है के और फ्रांस के लिए, या तो के यहाँ फ्रांस यहाँ, या तो के यहाँ फ्रांस यहाँ, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो जगह कौन सी बची देखो इसमें के और फ्रांस के लिए। अब यही जगह बची के यहाँ और फ्रांस यहाँ रख दे, पर फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई जो है फ्रांस और आयरलैंड से नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत। अब देखो के लिए ये जगह है और एक ये जगह है यहाँ पे, समझ रहे हो? के लिए ये तीन जगह है हमारे पास। तो देखो यहाँ तो आ नहीं सकता के और फ्रांस, क्योंकि आई नहीं है, तो मतलब के और फ्रांस यहाँ ही कहीं आएगा, यहाँ कहीं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, सेट करते हैं इसे। द पर्सन फ्रॉम फ्रांस एंड के सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, नियर नाइदर आर द इमीडिएट नेबर्स। एफ जो है डेनमार्क, एफ जो है डेनमार्क और आयरलैंड से नहीं है। आई सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ ई फ्रॉम जी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। अच्छा, जी जो है आयरलैंड की कहाँ है? लेफ्ट में है। तो देखो जी के लिए ये तीन जगह है। अब यहाँ तो कौन आएगा? के और फ्रांस ही सेट हो पाएगा। ठीक है ना? जी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसके? आयरलैंड के। एफ जो है डेनमार्क और आयरलैंड से नहीं है, तो ठीक है। देखो जी जो है यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जी जो है इमीडिएट लेफ्ट है किसके? आयरलैंड के, है ना? नहीं, तीन जगह है तो जी के लिए ये वाली, ये विजिबल है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, जी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, अब हम ये लिख देते हैं कि एफ जो है वो तो नहीं है किससे? डेनमार्क और आयरलैंड से। ठीक है, और ये हमें पता है एक चीज कि आई जो है वो भी फ्रांस और डेनमार्क से नहीं है, फ्रांस और डेनमार्क से नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। देखो जी के लिए ये जगह है, जी जो है किसके इमीडिएट लेफ्ट में है? आयरलैंड के। तो जी को यहाँ बिठाते हैं तो आयरलैंड हमारा यहाँ आ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, और क्या देखा था हमने कि के और फ्रांस भी यहाँ पर ही आएगा, तो के उस हिसाब से यहाँ आ जाएगा हमारा। जी को यहाँ बिठाते हैं, ठीक है, तो के यहाँ आ जाएगा हमारा। एक एक को देखो चेक करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से के अपोजिट में कौन है लिखा था ना, द पर्सन फ्रॉम फ्रांस एंड के इट्स अपोजिट टू ईच अदर, तो फ्रांस यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो एफ जहाँ के लिए कौन सी जगह बची? ये आयरलैंड। ठीक है, ये आयरलैंड था ना, आयरलैंड के लेफ्ट में था जी, है ना? तो ये एफ तो है डेनमार्क और आयरलैंड से है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत है कि जी यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक है, समझ गए? अब देखो जी तो वैसे भी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जी किसके लेफ्ट में है? आयरलैंड के, और यहाँ तो इटली है, वो यहाँ तो इटली है, तो इसका मतलब जी यहाँ ही आएगा। और जी आयरलैंड के लेफ्ट में है, तो आयरलैंड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। जी के अपोजिट में कौन आएगा? के, और के अपोजिट में कौन है? फ्रांस, तो फ्रांस इस हिसाब से यहाँ आ जाएगा। और एफ के लिए ये जगह बच जाएगी, एफ कहाँ से नहीं है? डेनमार्क और आयरलैंड से नहीं है, तो ठीक है, आयरलैंड यहाँ आ गया, तो डेनमार्क हम के को रख देते हैं। ठीक है, अब जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन बच गया? स्पेन। समझे? जी को यहाँ क्यों नहीं रखा था? क्योंकि यहाँ आयरलैंड आ गया था, जी के अपोजिट में के आ गया था, और एफ के लिए हमारे पास आयरलैंड आ रहा था, तो इससे वो कंडीशन गलत हो रही थी। ठीक है, ये हमारी पजल, ये हमारी पजल जो है वो बन गई। ठीक है, एच रशिया, ई इटली, एफ स्पेन, के डेनमार्क, जी जर्मनी, डी पोलैंड, आई आयरलैंड, जी फ्रांस। नेक्स्ट वाली देखते हैं। सिक्स पर्संस, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट नंबर।
19, 29, 43, 54, 64 and 72. The one who likes 54 sits third to right of R. Only one person sits between R and T, either from left or right. R और T के बीच में एक person है, या तो left से हो सकता है और या तो right से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है. ठीक है, जैसे R यहाँ है तो T यहाँ भी हो सकता है और T यहाँ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पे है. ठीक है, द सम ऑफ द नंबर लाइक्ड बाय टी एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी इज 83. ठीक है, टी और टी के इमीडिएट राइट में जो भी पर्सन बैठा है, क्या बताया मैंने, टी और टी के इमीडिएट राइट में जो भी पर्सन बैठा है ना, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 83 होना चाहिए इन दोनों का सम. ठीक है, इन दोनों को मिला के 83 जो है बनना चाहिए. यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स 29 एंड डज नॉट लाइक 54. यू को 54 नहीं पसंद नंबर. ठीक है, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स 29. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लाइक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर लाइक बाय क्यू एंड यू इज 8. मतलब क्यू को जो नंबर पसंद है और यू को जो नंबर पसंद है उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए. एस लाइक्स द नंबर विच इज 11 मोर देन पी. P को जो भी नंबर पसंद है, S उससे 11 नंबर ज्यादा मतलब पसंद है उसके. ठीक है, 11 मोर देन P. द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P डज नॉट लाइक एन इवन नंबर. द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P डज नॉट लाइक एन इवन नंबर. ठीक है, करते हैं. अच्छा सर्कल कैसे बन जाता है उससे कभी कभी, 2, 3, 4, 5, 6 ना खराब बना है. चलो कोई बात नहीं. फेसिंग द सेंटर मतलब फेस कैसा है उनका, इनसाइड बना लेते हैं, है ना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. वन हु लाइक्स 54 सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ आर. आर को कहीं पे भी सेट कर लो, आर को हम यहाँ कर लेते हैं. आर के थर्ड राइट में कौन है, 54. 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा हमारा 54. 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा हमारा 54. ठीक है, ये दिख रहा है ना. मुझे तो यही कंफ्यूजन रहती है कि विजिबल भी है कि नहीं. वन पर्सन है आर और टी के बीच में. ठीक है, एक छोड़ के टी यहाँ रख लेते हैं एक जगह और एक छोड़ के टी यहाँ पे रख लेते हैं. ठीक है, देखो प्री लेवल पजल में दो पॉसिबिलिटीज मिनिमम तो बना के ही चलनी है. ठीक है, तीन भी बन रही है तो बना लो, कोई बात नहीं, टाइम को सेव करना है हमें तो, है ना. अब ये ज़ूम करके थोड़ी बैठेंगे, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, फटाफट से बना लेते हैं तब तक. सम ऑफ द नंबर लाइक्ड बाय टी एंड द वन, अच्छा मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे एस इतनी जगह ले लेती हूँ रफ के लिए, है ना. सम ऑफ द नंबर्स लाइक्ड बाय टी एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ टी इज 83. टी और टी के इमीडिएट राइट में जो भी है उसका सम कितना होना चाहिए, 83. ठीक है, तो टी और टी के इमीडिएट राइट यही है ना, राइट. तो देखो इन दोनों का सम 83 होना चाहिए, तो यहाँ तो 53 है. देखो टी और टी के इमीडिएट राइट का सम जो है 83 होना चाहिए, तो यहाँ तो ऑलरेडी 54 है, तो हम टी का तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं, 83 में से 54 माइनस करके इसका तो 29 आ गया. आया समझ. अब देखो टी और टी के इमीडिएट राइट में जो भी है उसका सम कितना होना चाहिए, 83. हमें ये याद रखना है. ठीक है, देखो 83 एक बार कर लें क्या, क्या क्या नंबर है हमारे पास, 19, 29, 43, 54, 64, 72. ठीक है, देखो क्या क्या बन रहा है. 19 से बनाते हैं अगर हम, एक तो 29 और 54 का ही पेयर बन रहा है. ठीक है, 83 मिला के और कौन कौन सा बन रहा है, तो देखो 29 और 54 का तो वैसे भी नहीं बन पाएगा. क्यों, क्योंकि टी के इमीडिएट राइट में जो है ये 54 तो यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, तो इन दोनों का तो कुछ और ही नंबर होगा. ये तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में है ना, तो 29 और 54 का तो बन नहीं सकता. 19 से देखते हैं, 19 plus 72 नहीं हो पाएगा, 83 तो हो ही नहीं पाएगा, है ना. ये तो 91 हो जाएगा ना, तो ठीक है 19 से अब 64 प्लस करते हैं, 19 plus 64 ये हो रहा है 83, है ना.
तो ये एक पेयर बन सकता है 19 और 64 का। और देखें 1954 का भी नहीं बनेगा, 19 जब 19 और 64 का बन गया तो फिर और किसी से तो बन नहीं सकता 19। 29 से देखते हैं, 29 से 72 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 64 भी ज़्यादा हो जाएगा, 54, 29 और 54 का ही बन रहा है, मतलब और कोई नहीं बन रहा है ना 29 से, ठीक है छोड़ो। 43 से देखें, 43 से 72 ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा 43 64, 43 54 भी नहीं बन पाएगा, अब और कोई नहीं बन पाएगा, 19 और 64 ही आ सकता है, मतलब यहाँ 19 और यहाँ 64, या तो फिर यहाँ 19 और यहाँ 64, ये आ सकता है मुझको। चलो ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, यूज इट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक्स 29, यू जो है सेकंड टू राइट है 29 के, तो यहाँ 29 आ गया तो यू कहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा। एंड डज नॉट लाइक 54, अच्छा यू को 54 नंबर भी नहीं पसंद, तो ठीक है यू को अब हम यहाँ सेट करने की कोशिश करते हैं, यू के लिए ये या तो फिर ये, तीन जगह है ना यू के लिए, क्योंकि यू यहाँ तो आ नहीं सकता, यू को 54 नहीं पसंद, तो यू यहाँ यहाँ या तो फिर यहाँ। देखो यू सेकंड टू राइट है किसके, 29 के, तो यू यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो 54 नंबर है, यू तो 29 के सेकंड राइट में है ना, तो यू यहाँ नहीं आ सकता, मतलब यू यहाँ भी कैंसिल। अब यहाँ देखते हैं, देखो यू यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यों, इस हिसाब से यहाँ 29 आना चाहिए, और हमने क्या देखा है कि टू एक पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है ना 83 को बनाने में, टी और टी के इमीजिएट राइट में जो भी है उनका सम मिला के 83 होना चाहिए, तो यहाँ 19 या यहाँ 1964 यहाँ आ सकता है, या तो फिर यहाँ, मतलब 19 और 64 ही नंबर बैठ सकते हैं यहाँ पे, और कोई नंबर नहीं आ सकता, तो 29 तो हम यहाँ ले ही नहीं सकते, और 29 के सेकंड राइट में ही यू है, तो इसका मतलब यू यहाँ भी नहीं आ सकता, सिर्फ एक जगह बची है यू के लिए, ये और सेकंड टू राइट मतलब 29 यहाँ आ जाएगा, समझे कैसे हुआ, आ रहा है समझ कि यहाँ 29 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 19 और 64 एक पेयर बन रहा है, सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है जो 83 का सम है, एक पेयर और था 29 और 54 का, पर वो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 54 बैठ चुका है, तो टी और टी के इमीजिएट राइट में बोला है, इमीजिएट लेफ्ट में थोड़ी ना बोला है जो हम यहाँ 54 और यहाँ 29 लेंगे, तो एक ही कंडीशन बन रही थी टी और टी के इमीजिएट राइट की, 1964 यहाँ या तो फिर 19 और 64 यहाँ, तो इसीलिए 29 को यहाँ नहीं लिया, 29 के सेकंड राइट में ही यू है, तो यू यहाँ भी नहीं, यू के लिए सिर्फ ये जगह बची, क्योंकि यू 54 में भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यू डज नॉट लाइक 54, ठीक है, लिखा है ना यू सेट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु लाइक्स 29 एंड डज नॉट लाइक 54, मतलब यू को नहीं पसंद 54, आया क्लियर हुआ। चलो अब हम बिठाते हैं किसे, क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स 29, तो क्यू यहाँ आ जाएगा उस हिसाब से, क्यू यहाँ। चल अब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्यू एंड यू इज 8, ओके देखो क्यू के लिए दो कंडीशन है, 19 या तो फिर 64, क्यू और यू का नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, पहले तो हम रखते नहीं, हम बाद में रखते हैं कौन कौन बचे, देखो क्या करते हैं कि वेट द सम ऑफ द लाइक यू सेट सेकंड टू लाइट ऑफ यू सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स 29 क्यू एंड यू का जो है, एस लाइक्स द नंबर व्हिच इज 11 मोर देन पी, ठीक है देखो क्या बोल रहे हैं कि क्यू और यू का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। देखो अगर क्यू को मैं 19 लेती हूँ तो 19 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है ना यहाँ पे, तो 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा है ना, 19 प्लस 8 करेंगे ना 27, तो अगर 19 यहाँ अगर मैं रखती हूँ तो इस हिसाब से 27 रखना चाहिए यू के लिए, तभी 27 माइनस 19 कितना डिफरेंस होगा, 8 होगा, समझ रहे हो, पर 27 तो कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, यू के लिए 64 आ जाएगा नंबर और टी के लिए 19 आ जाएगा, और 64 प्लस 8 72 यू का नंबर हो जाएगा, समझे, आ रहा है समझ। अब यहाँ पे क्यू और यू के लिए
एट का डिफरेंस देखना पड़ेगा अब हमें नंबर में। ये नंबर है ना हमारे पास, देखो 19 नहीं आ सकता, क्यों? 19 प्लस 8 27 होता है, मतलब 19 तो इसमें गया। अब 29 प्लस 8 नहीं हो सकता, ये भी 37 होता है। 43 प्लस 8 नहीं हो सकता, ये भी 51 होता है, नंबर ही नहीं है। 54 प्लस 8 62 नहीं हो पाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में 64 प्लस 8 72, या तो 64 यहाँ या 72 यहाँ, या 64 यहाँ 72 यहाँ, दो ही नंबर है जिनका डिफरेंस कितना बन रहा है 8। ठीक है, आ रहा है ना समझ? तो मतलब यहाँ 64 या यहाँ 72, या तो फिर यहाँ 72 यहाँ 64, कुछ ऐसा बनेगा। चलो आगे देखते हैं। तब तक एस लाइक द नंबर विच इज 11 मोर देन पी। अच्छा, पी के लिए अब देखो इस वाली कंडीशन में भी दो जगह है, इस वाली में भी दो जगह है ना। पी को अगर यहाँ ले लिया तो 11 मोर देन पी, तो 54 प्लस 11 कितना हो जाएगा हमारा, 65 हो जाएगा। तो 65 कोई नंबर है? नहीं है। इसका मतलब देखो, 50 एस जो है ना, कौन सा नंबर पसंद करता है? जो भी 11 ज्यादा है पी से। तो पी के लिए दो जगह है हमारे पास, ये या तो फिर ये। देखो अब पी को अगर हम 54 में बिठाते हैं, ठीक है, तो 54 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 65। तो एस के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए? 65 पर ऐसा कोई नंबर तो यहाँ मेंशन ही नहीं है हमारे लिए, हमारे पास। तो पी यहाँ नहीं आ सकता, पी हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ। सेम अगर मैं पी को यहाँ बिठा दूँ तो 54 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 11 ही बोला ना। तो मतलब पी आ जाएगा यहाँ, एस आ जाएगा यहाँ, और इसमें भी एस आ जाएगा यहाँ। अब देखो एस कौन सा नंबर है एस के पास, जो 11 ज़्यादा है पी से। तो P का नंबर हम निकाल सकते हैं 54 माइनस 11, तो मतलब P के पास कौन सा हो गया हमारे पास, फिर 43 नंबर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P डज नॉट लाइक एन इवन नंबर। तो ठीक है, ये तो 29 है यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये तो इवन नहीं है। अब P के इमीडिएट लेफ्ट में इवन नंबर नहीं बैठना चाहिए। देखो अब इस इन दोनों का है कि 64 और 72 यहाँ आ सकता है, या तो फिर 64 और 72 यहाँ आ सकता है, क्योंकि 8 का डिफरेंस चाहिए इन दोनों के बीच में। यू और क्यू के बीच में कितना का डिफरेंस चाहिए हमें, 8 का डिफरेंस चाहिए। तो देखो आएंगे तो यही दो नंबर ना, या तो 64 यहाँ या 72 यहाँ, या तो 64 यहाँ या 72 यहाँ, मतलब लेफ्ट में इमीडिएट लेफ्ट में पी के बैठेगा तो इवन नंबर ही। कंडीशन गलत, ये वाली कंडीशन सही होगी। T 19 S 54 U 72 P 43 R 29 Q 64। मैंने बहुत आराम से समझाई है इसीलिए ये पजल, कि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, आया समझ? एक बार खुद से बना के देखना, ठीक है, एक बार ना बने तो दोबारा बनाना। अच्छे लेवल की पजल थी ना, क्योंकि देखो फाउंडेशन बैच है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी ही इजी लेवल की पजल करा दूं आपको। देखो इजी तो सभी कर लेते हैं, है ना। ये एसबीआई पीओ लेवल की पजल है, किसकी? एसबीआई पीओ लेवल की। पर अभी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का ही एक और पार्ट में लाऊंगी, कम से कम एक, क्योंकि आज कौन सा है, पार्ट थ्री है ना, तो पार्ट फोर या पार्ट फाइव, दो पार्ट आएंगे। क्योंकि देखो जो हमने टाइप वन बॉक्स बेस्ड पजल की थी, उसके मैंने पार्ट सिक्स करवा रखे हैं, सिक्स पार्ट्स करवा रखे हैं, और एक एक चीज अच्छे से समझा रखी है। तो इसका भी मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ हो जाए, मतलब ऐसा ना रहे कि कुछ भी मतलब रह जाए हमारा। सर्कुलर के बाद फिर लीनियर करेंगे, है ना, फिर लीनियर के बाद ट्रायंगुलर, या फिर जो भी हो जाएगा, जितना भी रह जाएगा ना हमारा, वो डबल लाइन वाली जो होती है, इस लाइन में जो होता है ना, अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स वाली होती है ऐसे लाइन में। तो देखो बस ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है, प्रैक्टिस करो सिर्फ आप। ठीक है, पीडीएफ भेज रखी है मैंने, वहाँ से करो। टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आप ना पीडीएफ डाउनलोड कर करके वहाँ से प्रैक्टिस करो, या तो फिर कई ऐप में डेली क्विजेस चलते हैं वहाँ से प्रैक्टिस करो, या तो फिर कोई बुक परचेज कर सकते हो तो आप कर लो। ठीक है, वैसे पर्सनली मेरा ओपिनियन ये नहीं है कि आप कोई भी बुक परचेज करें, क्योंकि क्या फ़ायदा इतना पैसे लगा के, जब हमारे पास है फ्री में इतने सारी हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। और बाकी मैं पूरा इस फाउंडेशन बैच बोला है तो इसको पूरा करा देंगे, ठीक है, फाउंडेशन बैच ऑफ पजल्स। हाँ, बेशक कभी कभी मिस हो जाता है ड्यू टू कुछ भी रीज़न की वजह से, ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है,
पर हाँ कभी भी ये नहीं है कि आएगी नहीं, आएगी आएगी, मतलब क्लासेस आएंगी, चाहे डेली बेसिस पे ना आ सके तो एक दिन छोड़ के, पर आएंगी सारी। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि अब डेली वाइज ही हो जाए मेडिकल, डेली हो जाए हमारा तो ठीक रहेगा, सर्कुलर फिर लीनियर फिर और भी। बाकी ये वाली जो पजल करवाई वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप दोबारा दोबारा भी करके देख लेना, है ना। दूसरी करते हैं, ये वाली जो दूसरी है वो भी अच्छे लेवल की है। ठीक है, 8 persons IJKLMNOP are sitting around a circular table in such a way that some of them are facing towards the center while some of them are facing away from the center। हाँ देखो ये वाली ना, इसमें बहुत बच्चों को मतलब बहुत परेशानी आती है कि ऐसे सर्कल दे देते हैं, मतलब 8 लोग हैं ठीक है, और कुछ का फेस मतलब इनसाइड है और कुछ का आउटसाइड है। ये मैंने शायद पार्ट 2 में भी कराई है अपने, शायद करवाई है मैंने, है ना। तो ये वाली पजल है कि कुछ का फेस जो है इनसाइड है और कुछ का आउटसाइड है। देखो नोट में क्या लिख रखा है, कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन डजंट सिट टुगेदर, मतलब कि कंसेक्यूटिव अल्फाबेट मतलब जैसे बी है ना, तो बी के कंसेक्यूटिव कौन आता है, मतलब लगातार कौन से अल्फाबेट्स आते हैं, ए और सी आता है ठीक है। ये मैंने एक स्मॉल क्या कर, जैसे हमारा बी है तो वो ए और सी सी के साथ नहीं बैठेगा, उसके लगातार में आते हैं ना ये दोनों। जैसे हमारा डी है तो वो बी और ई के साथ नहीं बैठेगा ठीक है। जैसे हमारा पी है तो वो किसके साथ नहीं बैठेगा, जैसे होता है ना MNOP, तो ओ और क्यू के साथ नहीं बैठेगा ठीक है, आया समझ। जैसे हमारा एफ है तो वो ई और जी के साथ नहीं बैठेगा, ऐसे कंसेक्यूटिव अल्फाबेट बोल रहे हैं, समझ आया। ठीक है स्टेटमेंट को रीड करते हैं, आई डज नॉट फेस एल एंड हिज इमीडिएट नेबर्स आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू हिम, आई सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस, टू पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी, जे एंड पी आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड एम इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ जे एंड के एंड फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम। ओके देखो क्या करना है, क्या बोल कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड एम इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड के, जे और एम के बीच में जितने भी पर्सन हैं वो एक कम है जितने भी पर्सन एम और के बीच में, इसका मतलब इसमें +1 है। व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ बोथ जे और के, मतलब इसके भी लेफ्ट से काउंट करना है और इसके भी लेफ्ट से काउंट करना है, कैसे बोल रहे हैं देख, मतलब ये है एक बॉक्स हमारा, जे से काउंट करेंगे, जैसे जे से काउंट करेंगे तो लेफ्ट से गिनेंगे ठीक है। सपोज अगर जे और के बीच में लेफ्ट से गिनेंगे इसके ठीक है, 2 पर्सन हैं तो के और एम के बीच में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 पर्सन होने चाहिए, और के भी लेफ्ट से ही गिनना है हमें, तो के का फेस कैसा करेंगे ऐसा, समझे। अभी नहीं समझ आएगा, अभी मैं जब पजल बनाऊंगी ना तब समझ में आएगा, अभी आप इतना याद रखो कि जे और के बीच में जितने भी हैं वो एक कम है के और एम के बीच में जितने भी, अगर इनके बीच में 2 है तो इनके बीच में 1 हो जाएगा ठीक है, और इनके बीच में 3 है तो इनके बीच में 2 हो जाएगा, इनके बीच में 4 है तो इनके बीच में 3 हो जाएंगे ठीक है, इनके बीच में 5 है तो इनके बीच में 6 हो जाएंगे, इनके बीच में 3 है तो इनके बीच में 4 हो जाएंगे ठीक है। बनाते हैं, मैं वैसे एक दो दिन क्लास नहीं ले पाई तो इसीलिए मैं सोचा थोड़े से अच्छे लेवल की पजल करवाते हैं ना, फिर कल और अच्छे लेवल के कराएंगे, SBIPO तक की हो जाए आपकी तैयारी बढ़िया से, है ना। कितने लोग हैं, 8, देखो इनके फेस तो हमें पता है नहीं तो हम क्यों बनाए हैं ना, जब पता ही नहीं है तो ठीक है करते हैं ना। आई डज नॉट फेस एल एंड हिज इमीडिएट नेबर्स आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू हिम, आई सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ, देखो इसमें हमें किसी का भी फेस नहीं पता कि ये फेस इनसाइड कर रखा है। मैं देखो स्टेटमेंट रीड करूं,
किसी का भी नहीं फेस पता हमें, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कैसे। आई जो है थर्ड टू लेफ्ट है किसके, ओ के, एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो ओ को एक जगह क्या करते हैं, इन साइड फेस करा लेते हैं, और ओ को एक जगह आउटसाइड करा लेते हैं। थर्ड टू लेफ्ट है आई, थर्ड टू लेफ्ट है आई, दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रखा, मतलब इसने इनसाइड तो इसने आउटसाइड, इसने आउटसाइड तो इसने इनसाइड। टू पर्सन है ओ और पी के बीच में, तो दो छोड़ के पी यहाँ नहीं आ सकता, दो छोड़ के पी यहाँ आ गया हमारा, और इसमें देखो दो छोड़ के पी यहाँ नहीं आ सकता, दो छोड़ के पी यहाँ। ठीक है, जे एंड पी आर सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। देखो जे और पी जो है एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है। देखो जे के लिए दो जगह यहाँ भी और जे के लिए दो जगह यहाँ भी, पर नोट पढ़ो जरा कि कंजेकेटिव अल्फाबेट जो है वो एक साथ नहीं आ सकते, तो आई के साथ जे नहीं आ सकता, है ना, आई जे इकट्ठे नहीं आते अल्फाबेट में, तो जे यहाँ नहीं आ सकता, मतलब जे के लिए यही जगह है। समझ आया जे को मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि आई के साथ जे नहीं आ सकता, उसमें नोट में पढ़ो कि कंजेकेटिव अल्फाबेट जो है वो एक साथ नहीं आ सकते, तो जे इसीलिए यहाँ नहीं आ सकता, जे यहाँ है, सेम जे यहाँ नहीं आ सकता, जे यहाँ आया। अब एक दूसरे के दोनों इमीजिएट लेफ्ट में है, तो इनकी डायरेक्शन मतलब हमें बनानी पड़ेगी। देखो इसे आउटसाइड बनाएंगे अगर इसके फेस, तब तो ये इमीजिएट राइट में हो जाएगा, तो इसका मतलब इसे इनसाइड बनाना पड़ेगा। इसको कैसा बनाना पड़ेगा, आउटसाइड, तभी ये दोनों एक दूसरे के इमीजिएट लेफ्ट में। इसमें इसको आउटसाइड बनाना पड़ेगा तभी ये लेफ्ट में होगा, और इसमें इसको इनसाइड बनाना पड़ेगा तभी तभी एक दूसरे के लेफ्ट में होगा। चलो आगे, अब हम करेंगे ये वाली सेट। कौन सी, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड एम इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग एम एंड के। जे और एम के बीच में जितने भी हैं वो एक कम है एम और के के बीच में जितने भी है, तो ठीक है देखो, और लेफ्ट से देखना है जे के और के के, तो जे और एम के बीच में देखो करते हैं एक करके स्टार्ट ना। देखो एम के लिए ऐसे बहुत जगह है हमारे पास, है ना, एम के लिए ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, और ये जगह है हमारे पास, इतनी सारी जगह है हमारे पास एम के लिए, है ना। तो ठीक है देखो, एम को हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर हम एम को यहाँ बिठाते हैं, एम को अगर हमने यहाँ पे बिठाया, यहाँ पे बिठाया हमको, और लेफ्ट से गिनो जे के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एम और के बीच में कितने होने चाहिए, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या के बैठ पाएगा यहाँ पे, नहीं बैठ पाएगा, मतलब एम के लिए ये जगह तो एलिमिनेट हो गई। एम के लिए ये जगह देखो 1 2 3 4, 4 है, जे से एम को गिना हमने, एम को एम यहाँ है, ठीक है, मेरे फिंगर पे, तो जे और एम के बीच में जितने भी हैं यहाँ पे, वो याद रखो आप, जे और एम के बीच में जितने भी हैं वो एक कम है जितने भी एम और के बीच में है। ठीक है, जे और एम के बीच में 4 है, तो एम और के बीच में कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो के यहाँ आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, के यहाँ आ सकता है, आ सकता है, इस वाली कंडीशन में एम और के यहाँ पर सेट हो सकते हैं, मतलब है ना। हो सकते हैं ना, कंडीशंस बनानी पड़ेंगी क्या, विजिबल है ना। देखो एक एक करके मैं समझाती हूँ आपको, एम अगर मैं यहाँ रख भी दूँ, देखो छोटा सा मैंने अगर लिख दिया एम और के, तो हमारे पास क्या क्या जगह बची है, एल और एन, एल और एन बचेंगे ना फिर भी हमारे पास, इसकी डायरेक्शन तो हम इसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे, पर एल और एन तो बचेंगे फिर भी हमारे पास, है ना। तो देखो एल यहाँ आएगा, अगर एल को यहाँ रख दूँ तो एन यहाँ आ जाएगा हमारा, तो एम और एन तो साथ में हो ही नहीं सकते कंसेक्यूटिव अल्फाबेट में, मतलब एल और एन को मैं सेट कर रही हूँ, अगर मैंने एल को यहाँ रखा तो एन को यहाँ, तो एन और एम यहाँ नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं एन को यहाँ रख दूँ और एल को यहाँ रख दूँ, फिर भी एम के साथ जो है देखो ना एल बैठ सकता है ना एन बैठ सकता है,
कंजर्केटिव अल्फामेट में, तो इसका मतलब एम यहाँ भी नहीं आ सकता, ठीक है, समझे। अब एम के लिए ये जगह एम जे और एम से देखो तीन छोड़ के है ना, 1 2 3 एम यहाँ, तो एम और के बीच में कितने होने चाहिए, चार होने चाहिए, तो 1 2 3 4 वेट एम यहाँ तो 1 2 3 4 5 ठीक है, ठीक है। देखो जे और अब एम के लिए दो जगह बची, एम के लिए ये या तो फिर ये, एम को यहाँ भी रख दूँ मैं तो जे और एम के बीच में कितने, तीन पर्सन, एम और के बीच में कितने होने चाहिए, चार, तो 1 2 3 4 यहाँ से नहीं आ सकता, अगर मैं इससे और इस साइड से गिनूँ 1 2 3 4 तो के यहाँ आ सकता है हमारा, है ना, आ सकता है ना, तो फिर से वही कंडीशन हो जाएगी एम के लिए, एल और एन के लिए, एल और एन कोई भी नहीं आ सकता, इसका मतलब एम यहाँ भी नहीं आ सकता, एम के लिए यही जगह बची है, समझ आया। अब एम और जे के बीच में एक है तो दो छोड़ के यहाँ या तो फिर दो छोड़ के यहाँ, दो जगह। तो देखो के को उससे सेट करने के से पहले हम एन को देख लेते हैं कि एन ओ से नहीं आ सकता ना, देखो एन जो है किससे नहीं आ सकता, ओ और एम के पास नहीं बैठ सकता, कंजेकेटिव अल्फाबेट है ना, तो एन यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब एन तो यहाँ ही आएगा हमारा, है ना, समझ रहे हो। अब के है ना, के का है ना, के और एल बचा है हमारा इस वाली कंडीशन में, आई डज नॉट फेस एल, आई ने एल को नहीं फेस किया, तो मतलब एल यहाँ आ जाएगा और के यहाँ आ जाएगा आया समझ, एल यहाँ के यहाँ, तो ठीक है, इसका अभी हम फेस नहीं बनाया हमने, ठीक है, अभी हमने सिर्फ अल्फाबेट्स को सेट किया है। सेम इस कंडीशन में एक छोड़ के अगर मैं एम यहाँ रखती हूँ तो दो छोड़ के यहाँ आ सकता है, तो दो छोड़ के यहाँ, है ना, अगर मैंने एम यहाँ रखा छोटा सा तो दो छोड़ के यहाँ या तो फिर दो छोड़ के यहाँ आ सकता है, क्योंकि जे और एम के बीच में जितने भी है एम और के बीच में उससे एक ज़्यादा है, तो फिर से हम एन को सेट कर देते हैं, एन को सेट कर देते हैं, एन हमारा यहाँ आ जाएगा, आई ने एल को फेस नहीं किया तो एल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कौन बैठ जाएगा हमारा, एम नहीं सॉरी कौन रह गया, के आ गया यहाँ पे। देखो अब के यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि जे के साथ के नहीं बैठ सकता, आई जे के साथ के थोड़ी ना आ सकता है, कंजेकेटिव अल्फाबेट है, मतलब एम जो है यहाँ नहीं आएगा हमारा, कहाँ, एम यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अब एम को यहाँ रख के देखते हैं एक बार, जे और एम के बीच में कितने पर्सन है, तीन, ठीक है, तीन पर्सन है, एम और के बीच में कितने होने चाहिए, चार, तो 1 2 3 4 यहाँ तो नहीं आ सकता के, अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 के यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि जे के साथ के नहीं बैठ सकता। अब एम को हम यहाँ रख के देखते हैं, तो देखते हैं लेफ्ट से कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 4 हो रहे हैं, एम और के बीच में कितने होना चाहिए, पाँच, तो 1 2 3 4 5 के यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, अब यहाँ से देखते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5 के फिर भी यहाँ ही आ रहा है, नहीं हो सकता फिर भी। एम को अब यहाँ रख के देखते हैं, सारी कंडीशन मैंने देखो आपको दिखाई है बना के, जे और एम के बीच में जे से लेफ्ट, जे के लेफ्ट से कितना, 1 2 3 4 5 6 6 है, एम और के बीच में 7 होना चाहिए, तो ये तो कंडीशन ही नहीं पॉसिबल, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत। अब हम इसी में फेस बना लेते हैं इनके, क्या क्या बोल रखा है इन्होंने, जे एंड पे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, और के भी जे के भी लेफ्ट से गिनना था, के भी लेफ्ट से, तो के लेफ्ट से गिनना है कहाँ तक, एम तक, तो ठीक है, जे के लेफ्ट से गिना तो कितने हैं, एक, तो के लेफ्ट से एम तक जाना है हमें, ठीक है, तो इसका फेस कैसे बनाएंगे, आउटसाइड, समझ आ रहा है, के लेफ्ट से एम तक, के भी लेफ्ट से गिनना था एम तक, तो के लेफ्ट से गिना तो दो, जे के लेफ्ट से गिना तो एक, ठीक है, कंडीशन सही हो रही है हमारी, ठीक है। अब क्या बोला है, एन फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एल, एन और एल की अपोजिट डायरेक्शन है, आई डज नॉट फेस, देखो फर्स्ट में यहाँ लिखा है आई ने एल को फेस नहीं किया, एंड इमीडिएट नेबर्स आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस, इन्होंने अपोजिट देख रखा है, देख रहे हैं एक दूसरे के, इसके तो फेस नहीं पता, एक मिनट पढ़ देना, टू पर्सन है, द नंबर ऑफ पर्सन जे एंड एम इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन एम एंड के,
when counting right of j and k, when counting left of both j and k. I does not face L and his immediate neighbors are facing the opposite directions to him. अच्छा opposite direction to him मतलब इससे opposite देख रहे हैं, ये outside है तो ये inside, और last में क्या लिखा है, L ने opposite direction face कर रखी है किससे, L से, तो ये inside तो ये outside बन गई puzzle. I outside, I'm inside, P inside, J outside, K outside, O inside, L outside, N inside. ठीक है ठीक है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर PDFs एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.